या तीसरे दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, दूसरी पार्टियां या कोई रैली निकालती हैं या यात्राएं करती हैं, तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हमलावार होती हैं ताकि वो उसका जवाब दे सकें, जनता को उसमें अपना संदेश दे सकें। तो परसों की जो ये घटना थी, शायद मोदी सरकार का एक अचंभित करने वाला फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। तो आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर हमला बोला है ताकि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मोदी को या बीजेपी को कहीं ना कहीं 2017 के चुनाव में इसका लाभ ना मिले, इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार का हमला बोला है। जी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा बेहतर होता कि देश हित में कदम उठाए जाते और इस फैसले को लागू करने से पहले व्यापक इंतजाम किए जाते। जिस तरह से एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, क्योंकि अमूमन वो 500 और 1000 के नोटों को ही अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, उनको एकाएक बंद कर देना भी कहीं ना कहीं एक गलत कदम होगा, ऐसा मायावती का कहना है। बिल्कुल, देखिए ये तो सभी पार्टियों का कहना है, जितनी विपक्षी पार्टियां ये आरोप मोदी सरकार पे लगा रही है, और वाकई देश की जनता को देखिए परेशानी हो रही है, क्योंकि एकदम अचानक से जो फैसला लिया गया, कहीं भी किसी को भी इसकी भनक नहीं थी कि ये मोदी देश के नाम संदेश में इस तरीके का फैसला लेंगे, और अचानक उसी रात में 12 बजे से ये फैसला लागू भी हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जो कुछ खामियां थी इस फैसले में, इससे आम जनता को परेशानी हो रही, खासकर अस्पतालों में जो लोग हैं या जो बाहर गए हैं, होटलों में फंसे हुए लोग हैं, तो उनको काफी परेशानी हो रही है कि सडनली करेंसी जो 100 के नोटों की करेंसी उसकी कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पे भी उन्होंने हमला किया है, और आने वाले कुछ समय में ये थोड़ा सा क्योंकि तफरी रहेगी देश में, लेकिन जैसे ही करेंसी मार्केट में आ जाएगी और उसका फ्लो बढ़ जाएगा, तो शायद ये परेशानी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम मसलों को लेकर यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को गलत और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि एकाएक जिस तरह से 500 और 1000 का नोट बंद किया सरकार ने, कालाधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से, इसने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि आम जनता अमूमन अपनी दैनिक दिनचर्या में 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन इस्तेमाल ज्यादा करती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर पूंजीपतियों पर नकेल कसी जाती, उनकी तिजोरियों में जो पैसे हैं उसे देश के विकास में लगाया जाता, बाहर जो विदेशों में काला धन जमा है उस पर अब तक 2.5 साल में कोई कदम क्यों नहीं उठाया, बनस्पत अब अचानक नई करेंसी को लागू क्यों किया जा रहा है। तो हाल ही में जिस तरह से मायावती ने आरोप लगाया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बीजेपी इन आरोपों को जवाब देती हुई नजर आएगी। जबकि इससे कुछ समय पहले केंद्रीय